नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएफसी लाइव टीवी। झांसी जिला अधिवक्ता संघ के तत्वावधान में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन जनपद न्यायाधीश जफीर अहमद के मुख्य आतिथ्य में अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश जफीर अहमद एवं एसएसपी राजेश एस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश जफीर अहमद ने वकालत पेशे को सम्मानीय एवं गरिमामय बताते हुए कहा कि अधिवक्ताओं पर समाज को राह दिखाने की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक वकालत करने के दौरान इस पेशे की परेशानियों एवं दुश्वारियों को बखूबी समझता हूँ, लेकिन परेशानियां यहां भी कम नहीं है, आपस में मिलजुल कर कार्य करने की जरूरत है। विशिष्ट अतिथि राजेश एस ने कहा कि उनके परिवार में कोई नौकरी में नहीं था, मेरे सेवा में आने पर पुलिस एवं अधिवक्ताओं का समाज में महत्व समझ में आया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जानकी शरण पांडे ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों के मुताबिक अधिवक्ताओं से काम करने की अपील की। इस मौके पर कमर्शियल जज रविंद्र विक्रम सिंह, विशेष न्यायाधीश MSACT कोर्ट पवन प्रताप सिंह मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष उदय राजपूत, सचिव छोटेलाल वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा व राजेश कुमार चौरसिया ने अतिथियों को बैच लगाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर अशोक कुमार पटेल, अविनाश मिश्रा, सूर्य प्रकाश राय, हिमांशु सक्सेना, मोहन प्रकाश खरे, नरेंद्र अग्रवाल, समीर तिवारी, हैरान सिंह यादव, अमित कुमार, पवन नगाइच, नवीन मट्टू समेत सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सचिव छोटेलाल वर्मा ने किया। अपने आभार व्यक्त अध्यक्ष उदय राजपूत ने व्यक्त किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष जिला अधिवक्ता संघ की ओर से, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में जिला सारे अधिवक्ता संघों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी वजह यह है, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पेशे से अधिवक्ता थे, LLB की और LLD की डिग्री उनके पास थी, बहुत अच्छे विद्वान अधिवक्ता थे और उनके जो संस्कार रहे वो अधिवक्ताओं के लिए एक अनुकरणीय प्रेरणा देते हैं। इसलिए हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन अधिवक्ता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए UFC Live TV।